Well, जैसे आप सभी को पता ही है, Redmi Note 10 इस डिवाइस के लिए MIUI 12.5.11.0 का अपडेट रिलीज हुआ। हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई, अभी तक चेकआउट नहीं करी है, कर लो। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस नए अपडेट के रिव्यू के बारे में, जानेंगे हर एक छोटी सी छोटी चीज, देखेंगे ये अपडेट यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं, और इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो माय नेम इज शौर्य महाजन, यो वज मा चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं Redmi के Note 10s डिवाइस के नए अपडेट के फीचर्स और रिव्यू के बारे में। चलिए, यहां पर आप देख सकते हो, ये है अपना Redmi का Note 10s डिवाइस। सबसे पहले अगर मैं सेटिंग में जाकर आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हो यहां पर रन हो रहा है MIUI 12.5.11.0 का अपडेट और लिखा हुआ है इनहैंस। तो अभी तक अगर आपको ये इनहैंस देखने को नहीं मिल रहा है ना, तो आप अपडेटर ऐप को अपडेट कर लो, आपको ये इनहैंस लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहला जो चेंज हमें देखने को मिलता है वो है इसका एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल। इसका एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल हमें नवंबर का देखने को मिलता है। मैं मानता हूं कि ये एक मंथ डिले है, बट ये वेल ऑप्टिमाइज्ड है और फोन के लिए, मतलब आप कह सकते हो कि सही तरीके से बना हुआ है। सो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जो है ना, वो बहुत तगड़ा है। हाँ, एक मंथ डिले है, बट काफी वेल ऑप्टिमाइज्ड है। सो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल हमें नवंबर का देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। चलिए, अगला जो चेंज हमें देखने को मिलता है ना, वो है इसकी एनिमेशंस के अंदर चेंज। आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर एक ऐप से दूसरे ऐप पे शिफ्ट करूं, सो यहाँ पर आपको जो एनिमेशंस देखने को मिलती हैं, वो काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिल रही हैं। साथ ही में जो कंट्रोल सेंटर है ना, उसमें कोई हमें अपग्रेड देखने को नहीं मिलता, बट जो एनिमेशन है उसमें हमें काफी चेंज देखने को मिलता है, जिससे कंट्रोल सेंटर जो है उसको यूज करने में मजा आता है। तो आप देख सकते हो कि कितना स्मूथ आपको देखने को मिल जाता है, क्या एनिमेशन आपको मिलती है। तो ये Note 10s में आपको बहुत सही चीज देखने को मिलती है Redmi के Note 10s के 12.5.11.0 के अपडेट के अंदर। तो एनिमेशन के अंदर आपको काफी तगड़ा आपको चेंज देखने को मिलता है, जो काफी मजेदार है। अगला जो चेंज हमें देखने को मिलता है ना, वो है इसकी सेटिंग्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करे गए हैं जो शायद ही मैंने कभी सोचे थे Redmi Note 10s के अंदर। चलिए, सबसे पहला जो फीचर है ना, वो है साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। आप देख सकते हो कि जो एडिशनल सेटिंग्स हैं, उसके अंदर हमें यहाँ पर सभी के सभी नेम्स चेंज देखने को मिल चुके हैं। आप देख सकते हो कि पहले हमें कुछ और नाम देखने को मिलता था, बट अब हमें कुछ ऑप्शंस के नेम चेंज देखने को मिल चुके हैं, लाइक प्ले साउंड व्हेन अनइंस्टॉलिंग एप्स, प्ले साउंड व्हेन डिलीटिंग आइटम। ये कुछ तरीके के यहाँ पर अलग अलग तरीके के नेम्स हमें देखने को मिल चुके हैं। तो ये है पहला चेंज। दूसरा जो चेंज हमें देखने को मिलता है ना, वो है हैप्टिक फीडबैक। जी हाँ, पहला जो हैप्टिक फीडबैक हमें देखने को मिलता था 12.5.9.0 के अपडेट के अंदर, वो थोड़ा डिले रहता था। मतलब अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, तो अगर आपने वर्ड एच लिखा, तो उसके 2 सेकंड बाद आपको वो वाइब्रेशन फील होती थी। बट अब जो वाइब्रेशन रखी गई है ना, वो काफी वेल ऑप्टिमाइज है, और किसी चीज को टैप करने पर आपको वो रियल वाइब्रेशन फील होगी। सो ये बहुत सही चीज है और काफी मजा आता है अपने डिवाइस को यूज करने पे इस नई हैप्टिक फीडबैक के साथ में। दूसरी चीज जो मुझे इस अपडेट की काफी अच्छी लगी, वो है कि यहाँ पर आपको कोई भी चीजों को नहीं हटाया गया। जी हाँ, जैसे Redmi Note सीरीज है, बाकी जो फोन्स हैं, उनके सभी अपडेट्स के अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स को हटाया ही गया है, बट इस Redmi Note 10s के अपडेट के अंदर आपको कोई भी फीचर नहीं हटेगा। जी हाँ, कोई भी फीचर नहीं हटाया गया है, हर एक फीचर आपको मतलब नया देखने को मिलता है। तो एक बहुत अच्छा मूव है Xiaomi की तरफ से Redmi Note 10s के लिए। चलिए, जो अगली चीज जो सभी के मन में अभी डाउट चल रहा है ना, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर क्या परमानेंट का ऑप्शन आया है। नहीं आया दोस्तों, और ये कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप परमानेंट कर दोगे ना, तो आपकी बैटरी जो है वो इंस्टेंटली ड्रेन होगी, क्विक ड्रेन होगी। तो Xiaomi नहीं चाहेगा कि लोगों को बैटरी रिलेटेड इशू मिले, इसलिए कभी भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है परमानेंट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले।
तो उसको तो भूल ही जाइए। बट हाँ, अगर आपको अनेबल करना है ना, तो डेवलपर ऑप्शन में आप MIUI ऑप्टिमाइजेशन को बंद कर सकते हो। बट उससे आप क्रैशेस फेस करोगे, लैग फेस करोगे, फिर उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। एक बार मैंने ट्राई करा था इस फोन के साथ, दुखी हो गया था, 2 सेकंड भी नहीं चला पाया, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। और अगली बार तो मैं ट्राई नहीं करने वाला, क्योंकि उससे कभी कभार डिवाइस के सॉफ्टवेयर के अंदर क्रैश भी आता है। सो यहाँ पर उस ऑप्शन को मत एनेबल करना। चलिए, अगली जो चीज हमें देखने को मिलती है इस अपडेट के साथ में, वो है यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर मेमोरी एक्सटेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन देखने को मिल चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 1 GB का यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन देखने को मिला है। कुछ लोगों को यहाँ पर 2 GB, 3 GB का मिला है, तो उनका एक डाउट सॉल्व करता हूँ। अगर आप 64 GB वाला वेरिएंट यूज़ कर रहे हो तो आपको 1 GB का रैम एक्सटेंशन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 128 वेरिएंट यूज़ कर रहे हो GB वाला, तो आपको 2 GB का मिलेगा। अगर आप 256 यूज़ कर रहे हो तो आपको 3 GB का रैम एक्सटेंशन मिलेगा। सो यहाँ पर वेरिएंट के हिसाब से रैम को यहाँ पर एक्सपैंड करने के ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ पर खुद से करने की कोशिश करोगे तो क्रैश फेस करोगे। अगली जो चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है स्पेशल फीचर्स के अंदर वीडियो टूल बॉक्स। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें स्मार्ट टूल बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो काफी तगड़ा है। और यहाँ पर ये कुछ लोगों को नहीं मिला है, उनमें से मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भी हैं, वो भी मुझसे कह रहे थे कि भाई ये स्मार्ट टूल बॉक्स हमें नहीं मिला है। तो उनको एक ही रिकमेंडेशन दूंगा, कभी भी सिस्टम एप्स को थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से अपडेट मत करा करिए। क्योंकि क्या होता है, जो अपडेट के अंदर फीचर आने होते हैं ना, वो आप मिस कर देते हो, और उसके बाद जो मतलब आपके डिवाइस में पहले से ही APK डाउनलोड होता है उस सिस्टम ऐप के अपडेट का, वो उन फीचर को ऐड नहीं होने देता है। तो कभी भी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिस्टम APK फाइल को अपडेट करने के लिए यूज़ मत करिएगा। जो सिस्टम के अंदर अपडेट्स आए सिस्टम ऐप अपडेटर के अंदर, उसी से करा करिए, तभी आप यहाँ पर नए फीचर्स का मज़ा उठा पाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्मार्ट टूल बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है, एंड इससे हम यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके के कुछ फ्लोटिंग विंडो यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी तगड़ा है और काफ़ी स्मूथ। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस पूरे अपडेट का सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट, और मेरे हिसाब से फ्रॉम माय ओपिनियन ये अभी तक का बेस्ट यहाँ पर फीचर है इस Redmi Note 10s में। चलिए, ये जो अगला मतलब फीचर है ना, ये आपको मिलेगा गैलरी के अंदर। जी हाँ, गैलरी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अपनी गैलरी, इस तरीके से आप देख सकते हो। गैलरी को जैसे ही आप ओपन करोगे, कोई इमेज अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे ना, आपको एक 3 डॉट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। इस 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलेगा जो है एडजस्ट का। इस एडजस्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको थोड़ा वेट करना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर 3 new options देखने को मिलेंगे। एक है ओरिजिनल, एक है ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें ये पूरी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और तीसरा है इनहैंस, जिसमें जो कलर्स हैं वो और पंची हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं ओरिजिनल ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्रॉप का और ऑप्शन देखने को मिलेगा। और ये क्रॉप कोई नॉर्मल क्रॉप नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्रॉप है, और ये मैं चाहता था, और ये फाइनली आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस इमेज को हम कहीं से भी क्रॉप कर सकते हैं, कहीं से भी, किसी भी एज से हम यहाँ पर इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और यही सेम फीचर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की प्रेजेंटेशन के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, जब हम अपनी पिक्चर्स को ऐड करते हैं, क्रॉप करते हैं। सो ये एक फ्री क्रॉपिंग है, जो आप कहीं से भी, किसी भी साइड से, किसी भी एज से, किसी भी मतलब कहीं से भी आप इसको कर सकते हो, और आप यहाँ पर मज़ा उठा सकते हो क्रॉपिंग का। और ये काफ़ी इन्हेंस लेवल की क्रॉपिंग है, और इससे आपको इफेक्टिव क्रॉपिंग देखने को मिलेगी। कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि हाँ यहाँ से कटा रह गया, यहाँ से कटा रह गया, आप इसको ढंग से क्रॉप कर पाओगे, और काफ़ी मज़ेदार रहती है। सेव करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हाँ पहला अटेम्प्ट है Xiaomi का यहाँ पर इस अपडेट के अंदर, ये फीचर पहली बार आया है, तो अगली बार इसको और ऑप्टिमाइज कर दिया जाएगा और बेटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस अपडेट के आखिरी फीचर के बारे में। अब ये आखिरी तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अभी जितना भी यूज़ करा है ना, उसके हिसाब से मेरा ये मतलब आखिरी फीचर है। बट अगर आप और ढूंढने की कोशिश करोगे अपने सिस्टम के अंदर, तो आपको और फीचर मिल सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं गेम टर्बो के बारे में बात करूँ, तो गेम टर्बो में वॉइस चेंजर तो नहीं आया है, जो मतलब कभी आएगा भी नहीं। जी हाँ, कभी सोचिएगा भी मत कि गेम टर्बो में वॉइस चेंजर आएगा, क्योंकि फ्लैगशिप डिवाइस भी काफ़ी कम है जिनको वॉइस चेंजर हमें देखने को मिला है। बट गेम टर्बो के अंदर हमें एक बिग अपडेट देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं देखूँ गेम टर्बो, तो ये हमें लेटेस्ट वाला गेम टर्बो देखने को मिलता है। कोई पुराना गेम टर्बो नहीं मिलता, गेम टर्बो 4.0 हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट, रिकॉर्ड,
टर्न ऑफ स्क्रीन, टाइमर भी आपको देखने को मिलता है एंड साथ में आपको यहाँ पर इस तरीके की कुछ फ्लोटिंग विंडो भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इसमें आपको बैलेंस के अंदर परफॉर्मेंस मोड भी देखने को मिलता है। तो ये एक मतलब सबसे बेस्ट था और काफ़ी पसंदीदा है और चाइना रूम के अंदर तो ये पहले से ही प्रोवाइड है, बट इसके अंदर भी हमें देखने को मिल चुका है, जो बहुत बड़ी बात है। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स। आखिर में फ्रॉम माई ओपिनियन ये अपडेट जो है ये Note 10s का बेस्ट अपडेट है। इस अपडेट को आप डाउनलोड कर सकते हो अभी। ये अपडेट अगर आपके सिस्टम में नहीं दिखा रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है, जाके ज्वाइन करोगे ना तो Note 10s की OTA फाइल आपको देखने को मिलेगी। अराउंड 600 मेंबर्स जो हैं हमारे वो पहले से ही इस OTA फाइल को यूज कर चुके हैं। आप उनमें से और हो सकते हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लो यहाँ पर, इस OTA फाइल को जल्दी से डाउनलोड करके अपने डिवाइस को अपडेट कर लेना अगर सिस्टम के अंदर अपडेट नहीं शो हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात करी है Redmi Note 10s के कुछ ऐसे टॉप फीचर जो आपको देखने को मिलेंगे MIUI 12.5.11.0 के अपडेट के अंदर। इस अपडेट को आप बेझिझक डाउनलोड करिए, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक लिए देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।